हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज के इस वीडियो में हम हमारे जो 1000 टॉप मोस्ट हिस्ट्री क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं उसी को आगे करते हुए मिडाइवल हिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है ये हम आपके लिए UPSC या फिर किसी स्टेट PCS एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम, SSC की एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स के लिए लेके आ रहे हैं। आपको ये लिंक आपको बाईलिंगुअल ये एक सीरीज़ मिलेंगी और ये सीरीज़ आपको हर एक प्रकार की कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हेल्प कर सकती है। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए और काम कर सके। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस पे जो हम मिडाइवल हिस्ट्री के डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें निर्गुण संतों के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट एक ऐसा है जो निर्गुण संतों के बारे में सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि जो निर्गुण संत थे उनके बारे में स्टेटमेंट से कहा है कि इट एडवोकेटेड द वर्शिप्ड द एंथ्रोमॉर्फिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन बीइंग पर्टिकुलरली राम एंड कृष्ण। तो इसमें दिव्य होने की आराधना विशेषकर राम और कृष्ण की आराधना की वकालत की गई थी। तो कृष्ण और राम की आराधना की वकालत क्या निर्गुण संतों ने करी थी, ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो ये आंसर यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये गलत है, अर्थात इसका राइट आंसर यहीं पे हो गया है। क्योंकि हमें पता है कि निर्गुण धारा की जो भक्ति थी उसके अंदर हम बात करते हैं कि किस प्रकार जो फॉर्मलेस गॉड थे उनकी पूजा की जाती थी निर्गुण धारा भक्ति में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट जो इसका है वो है कि ये एक निराकार ईश्वर की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मलेस गॉड जिसमें कोई गुण नहीं है, विच हैज़ नो एट्रीब्यूट्स और क्वालिटी। अर्थात एक ऐसे गॉड की वहाँ पे अवधारणा या प्रभु या परमात्मा की अवधारणा है जिसका कोई एक एट्रीब्यूट नहीं है, जिसको आप किसी एक रूप में नहीं ढाल सकते। इस प्रकार की भक्ति धारा को निर्गुण भक्ति धारा कहा गया है, ये बात सही है। फिर तीसरा, ये ईश्वर के रूप में कल्पना की गई सभी नामों और रूपों से परे देवत्व का व्यक्तिगत और विशुद्ध आध्यात्मिक पहलू है, केवल आंतरिक अनुभव से ही पहचाना जा सकता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन बी और सी सही है, लेकिन ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि भारत में भक्ति आंदोलन के योगदान का पता लगाइए कि निम्न में से कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं जो भक्ति आंदोलन के द्वारा भारत के भक्ति आंदोलन के द्वारा योगदान दिया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं क्या भक्ति आंदोलन के द्वारा शाब्दिक साहित्य में वृद्धि हुई थी, सही बात है। उसके बाद बोला गया है कि जो हमारी फिलोसोफीज थी उनमें उनका डेवलपमेंट हुआ है, ये बात भी सही है। उसके बाद कहा गया है कि हमारा जो समाज था उसके भक्ति का और एक परिवर्तन हो गया, जो वे ऑफ आप ये कह सकते हैं जो डिवोटीज थे उनकी जो भक्ति करने का तरीका था वो बदल गया है, ये बात भी सही हुआ। उसके बाद चौथा बताया गया है कि न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, पूजा करने के नए तरीकों का ईजाद किया गया, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे आपको चारों स्टेटमेंट सही मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि जो आलवार संत थे उनके भजनों के संग्रह को हम क्या कहते थे। ये बात हमने पिछली कुछ स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि जो आलवार थे उन संतों के भजनों जो संत थे उनके भजनों के संग्रह को हम दिव्य प्रबंध कहते थे। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए। और आलवार संत और नयनवार संतों के बारे में हमने बहुत पहले डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कबीर की रचनाओं के बारे में। तो अब हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं ये वन लाइनर क्वेश्चंस आ रहे हैं और इन चीज़ों के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे बार बार उन चीज़ों को रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए अब कबीर की रचनाएं जो हैं उनको हमने कहा कि उनके संग्रह को हम बीजक कहते हैं। इसके अलावा आपने कबीर ग्रंथावली के बारे में सुना होगा, आपने सखी ग्रंथ के बारे में सुना होगा, आपने अनुराग सागर के बारे में सुना होगा। तो ये सभी रचनाएं कबीर से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, अर्थात उपरोक्त सभी। और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपके लिए लिखा भी गया है कि कौन कौन सी कबीर की रचनाएं या फिर कबीर से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है वल्लभाचार्य के बारे में। तो वल्लभाचार्य के बारे में हमने पहले भी बहुत कुछ डिस्कस किया, यहाँ पे फिर से डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार वो कृष्ण की भक्ति के लिए उन्होंने नए आयाम बनाए थे। तो उनके सिद्धांत जो थे
उनके उत्तराधिकारियों के लिए पुष्टि मार्ग के रूप में जाने जाते हैं, और जिन्होंने कृष्ण के खेलों के भौतिक पक्ष पर जोर दिया, तो कृष्ण के भौतिक जो खेल थे उनके खेलों के भौतिक पक्ष आप कह सकते हैं होरी सक्सेसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में दैट फॉर हिज सक्सेसर्स लेड स्ट्रेस ऑन द फिजिकल साइड ऑफ कृष्णाज स्पोर्ट्स। तो ये बात सही यहाँ पे कही गई है। उसके बाद कहा गया है कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसाइसनेस और इस्कोन कॉमनली कॉल्ड द हरि कृष्णाज। ये बात यहाँ पे सही नहीं है। तो अब डिस्कस करते हैं सही बात फिर क्या है। तो कृष्ण को ही ब्रह्मा का स्वरूप मानना और उनके प्रति समर्पण पुष्टि मार्ग का अवलंब है, और वल्लभ जो आचार्य थे उन्होंने इस मार्ग को पुष्टि दी और कृष्ण भक्ति की धारा पूरे देश में बहाई। उन्होंने बताया कि ईश्वर और जीव के बीच में कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार की बात वल्लभाचार्य ने की थी कि किस प्रकार उन्होंने एक कृष्ण भक्ति की धारा पूरे देश में बहाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक थोड़ी सी आप टाइपो देखेंगे, यहाँ पे विश्वामित्र नहीं है, यहाँ पे है विशंभर मिश्र। कि विशंभर मिश्र वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ, विशंभर मिश्र किसका मूल नाम था? गुरु नानक का, चैतन्य महाप्रभु का, शंकराचार्य का या कबीर का? तो जो हमने बात करी थी चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि किस प्रकार वो गौड़ीय वैष्णव जो संप्रदाय था उसके उन्होंने एक प्रवर्तक के रूप में भी उनको हम जानते हैं, इसके अलावा उन्होंने किस प्रकार बंगाल और पूर्वी उड़ीसा में काम किया। तो उनका जो बचपन का नाम आप कह सकते हैं या उनका ओरिजिनल नेम जो था वो विशंभर मिश्र माना जाता है, और उसके बाद हम उन्हें चैतन्य महाप्रभु के नाम से तो जानते ही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने विजयनगर के कृष्णदेवराय के दरबार में सार्वजनिक वाद विवाद में शिववास पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन आपको दिए गए हैं गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य या वल्लभाचार्य। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन के बारे में हमने पहले इन डेप्थ स्टडी कर रखी है, हर ऑप्शन के बारे में अलग अलग क्वेश्चन में हमने इनको जाना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है वल्लभाचार्य, जिन्होंने कृष्णदेवराय के दरबार में सार्वजनिक वाद विवाद में शिववास पर विजय प्राप्त करी थी। तो ये हमने यहाँ पे बात करी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि कबीर वॉज ए डिसिपल ऑफ, अर्थात कबीर किसके शिष्य थे? यहाँ पे थोड़ी सी एक वर्ड छूट गया है, किसके शिष्य थे अर्थात कि किसके शिष्य उनके गुरु कौन थे, रामानंद, रामानुजन, शंकराचार्य या कोई नहीं? तो हमने इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी डिस्कस कर लिया है, अब फिर से बात करते हैं। तो जो रामानंद थे वो कबीर के गुरु थे, तो कबीर किसके शिष्य हुए? रामानंद के। तो इसका राइट आंसर जो है वो है रामानंद, अर्थात कबीर इनके शिष्य थे। अब इस चीज़ को आप बिल्कुल एकदम याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपो हुई है, इसको आप सुधार सकते हैं। यहाँ पे बीच में लिखना है कबीर किसके शिष्य थे, ये गलती से किस यहाँ पे लिखना भूल गया है, हु मतलब कि किसके शिष्य वो थे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति पंथ पल्लवों, पांडवों और चोलों के अंतर्गत प्रचारित है? तो हमने जो बात करी थी अभी कुछ दो या तीन आई थिंक एक वीडियो पहले, उसमें ये था कि आपको पता होगी हमने बात करी थी नैनामार और अलवार संतों के बारे में, और हमने एक इंडियन मैप यूज किया था साउथ इंडिया का। तो नैनार और अलवार जो थे दोनों को ही पल्लवों, पांड्यों और चोलों के अंतर्गत प्रचारित करने का मौका मिला, उस वक्त उनका प्रचार प्रसार हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी बोथ, जहाँ पे दोनों का प्रचार प्रसार हुआ दोनों के इन इस कालखंड के अंतर्गत। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सूफीवाद के साथ आम था? तो सूफीवाद और भक्ति आंदोलन, मतलब कि हम इन दोनों को कैसे एक साथ कि हम बात करें कि भक्ति आंदोलन प्लस जो सूफीवाद था उन दोनों को किन चीज़ों में हम कॉमनली एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। पहली बात कि भक्तिवाद, भक्ति आंदोलन और सूफीवाद दोनों ही एक
एकेश्वरवाद अर्थात एक परमेश्वर में विश्वास। हम बात करते हैं कि एक ईश्वर एक है तो उस पर इन्होंने विश्वास जताया, दोनों ने ही, ये बात सही है। उसके अलावा मनुष्य की समानता और भाईचारे अर्थात आपस में समानता और भाईचारे की बात दोनों में ही कही गई है, ये बात भी सही है। इसके अलावा तीसरी बात कर्मकांड और वर्ग विभाजन की अस्वीकृति, जो एक हम ये कहते हैं कि जो हमने जो जातियां स्टार्टिंग में चार बनाए थे, चार वर्ण जो हमने बनाए थे, उनको आगे जब जातियों में बदल दिया गया और एक वंशानुगत जाति बना दी गई, उन सब चीज़ों की अस्वीकृति और कर्मकांड जो बहुत ज़्यादा फैल चुके थे, वो दोनों ही चीज़ों को भक्ति और सूफी दोनों ने ही नकारा था, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही है, तो इसका राइट आंसर होगा डी अर्थात उपरोक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति सुधारक सूफी शिक्षकों के उपदेश से प्रभावित है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग भक्ति रिफॉर्मर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रीचिंग ऑफ सूफी टीचर्स। तो सूफी शिक्षकों से इनमें से कौन सा प्रभावित हुआ, ये बात किया गया है कि भक्ति सुधारक जो था, इनमें से कोई एक ऐसा भक्ति सुधारक है जो किन्हीं सूफी शिक्षकों के द्वारा प्रभावित हुआ और इस प्रकार के बदलाव लाने के लिए फिर भक्ति धारा में उन्होंने हिस्सा लिया। तो रामानंद थे, कबीर थे, नानक थे या उपरोक्त सभी। तो जो सभी के सभी जो यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं सूफी शिक्षकों से प्रभावित थे और इनसे प्रभावित होने के बाद उन्हीं बदलावों को उन्होंने भक्ति धारा के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। तो अब जानते हैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में और डिस्कस करते हैं उन नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है सगुण ब्राह्मण की अवधारणा जो है वो भक्ति आंदोलन की किस अवधारणा का परिणाम थी, अर्थात किससे वो मोटिवेट होकर और किस चीज़ से वो अवधारणा निकल के आई। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं निर्गुण ब्राह्मण, वैष्णववाद, सेववाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सगुण ब्राह्मण, जैसे कि हमने बात करी थी कि भगवान को हम एक फॉर्म देते हैं, कोई एक रूप देते हैं, उस अवधारणा को हम सगुण ब्राह्मण अवधारणा कहते हैं। और निर्गुण ब्राह्मण अवधारणा हम वो कहते हैं कि फॉर्मलेस गॉड जहाँ पे होता है उसको हम निर्गुण ब्राह्मण अवधारणा कहते हैं। तो सगुण ब्राह्मण की अवधारणा तभी पैदा हुई थी जब एक अवधारणा फॉर्मलेस गॉड की अवधारणा पहले आई थी, इसीलिए इसका राइट आंसर है निर्गुण ब्राह्मण अवधारणा। अर्थात जब फॉर्मलेस गॉड था उस अवधारणा के बाद हमने एक गॉड को फॉर्म देना स्टार्ट किया, तब जाके सगुण ब्राह्मण अवधारणा का जन्म हुआ। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पहले जो अवधारणा थी वो थी निर्गुण ब्राह्मण अवधारणा। तो इसका राइट आंसर हुआ ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से किसने जीवात्मा और परमात्मा के द्वैतवाद का प्रचार किया। तो ये चीज़ें हमने पहले भी इससे कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस किए थे द्वैतवाद और जीवात्मा और परमात्मा के बारे में। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं वल्लभाचार्य, माधव, मीराबाई और निम्बार्का। तो इस क्वेश्चन का हिंट यही है कि जिन्होंने जीवात्मा और परमात्मा के द्वैतवाद का प्रचार किया था वो साउथ इंडिया में, कर्नाटक में उन्होंने इस चीज़ को प्रारंभ करते हुए आगे काम किया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, माधव, जिन्होंने जीवात्मा और परमात्मा के द्वैतवाद का प्रचार किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि बंगाल के किस संत ने, और वो सुधारक भी थे, उन्होंने कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया था। तो इस क्वेश्चन के बारे में और चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया है कि जो भारत में पूर्वी उड़ीसा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में प्लस बंगाल का जो एरिया है उस एरिया में जो चैतन्य महाप्रभु थे, इन्होंने जो कृष्ण पंथ था, या कृष्ण पंथ के अलावा हमने बात करी कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय था, उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। तो कृष्ण पंथ को बंगाल में लोकप्रिय बनाने के लिए चैतन्य महाप्रभु को हम इसका श्रेय देते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हुआ सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि भगवत गीता की जो टीका थी, या आप कह सकते हैं टिप्पणी जो थी, वो किसने लिखी थी, और उस टीका को ज्ञानेश्वरी कहा जाता था। तो आप ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का आंसर वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञानेश्वरी यहाँ पे लिखा गया है और जिन्होंने इसको लिखा था उनका नाम था ज्ञानेश्वर। तो आप जानते हैं ज्ञानेश्वर के बारे में कि वो कहाँ और किस प्रकार के संत थे, कब उन्होंने भक्ति आंदोलन में अपनी आप ये कह सकते हैं भक्ति को फैलाया था।
तो ज्ञानेश्वर जो थे वो 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। तो महाराष्ट्र के एरिया से वो आते थे और 13वीं शताब्दी में उन्होंने काम किया था, और इसीलिए इनके भक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र धर्म कहा जाता था। और इन्होंने जो भगवत गीता पर एक टिप्पणी लिखी थी उसे ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। तो ये बात करी हमने ज्ञानेश्वर और ज्ञानेश्वरी के बारे में कि किस प्रकार उन्होंने महाराष्ट्र में अपने भक्ति आंदोलन की स्थापना करी और फाइनली उसे महाराष्ट्र धर्म कहा जाता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार की आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, और क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किसने प्रेम के सुसमाचार का प्रचार किया था। तो ज्ञानेश्वर जैसे महाराष्ट्र के संत हुए थे, उसी प्रकार एक और महाराष्ट्र के संत हुए थे जिन्होंने प्रेम के सुसमाचार के प्रचार का काम किया था। तो अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ या कबीर। तो आंसर है इसका नामदेव। अब जानते हैं नामदेव के बारे में कि उन्होंने किस प्रकार काम किया था भक्ति आंदोलन के अंदर और प्रेम के सुसमाचार को प्रचारित करने के लिए। तो आपको बताया गया है कि नामदेव ने प्रेम के सुसमाचार का प्रचार किया था, और उन्होंने मूर्ति पूजा जो होती थी और जो पुरोहितों का वर्चस्व था उसका विरोध करते हुए उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और एक अल्टरनेटिव वे प्रोवाइड किया जिससे कि हम पूजा पद्धति के तहत सभी वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़ सके। इस प्रकार का काम नामदेव ने किया था, और प्रेम के सुसमाचार का प्रचार का जो काम मेन उनके द्वारा किया गया था। तो ये हमने बात करी नामदेव के बारे में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो मराठा राष्ट्रवाद था, तो मराठा राष्ट्रवाद की जो पृष्ठभूमि बनाई गई थी महाराष्ट्र में वो किस भक्ति संत के द्वारा क्रिएट करी गई थी, किसने उसको पनपाया था, और उन्होंने कई सामाजिक भेदों का विरोध भी किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि वो महाराष्ट्र में वो मराठा संत कौन से थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ या तुकाराम। तो उनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि संत तुकोबा जो थे वो थे इसके मतलब प्रचारक मान सकते हैं, प्रवर्तक आप उन्हें मान सकते हैं। तो संत तुकाराम या तुकोबा ने इस काम के लिए और मराठा राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ डी, तुकाराम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि किसने लोगों को स्वार्थ, झूठ, पाखंड और ये सब छोड़ देने के अलावा सच्चाई, ईमानदारी और दयालुता की जिंदगी जीने की सलाह दी थी। तो ये तो हमने पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जहाँ पे हमने बात करी थी कि गुरु नानक ने जब सिख धर्म में जब मुगलों के टाइम के वक्त जब उनके आक्रमण ज़्यादा हो चुके थे तो उनको अपनी जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए गुरु नानक ने किस प्रकार काम किया था और उन्होंने क्या क्या अपने आइडियोलॉजी और अपने कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिए थे। तो उन्होंने बताया था कि आप स्वार्थ, झूठ और पाखंड छोड़िए, सच्चाई, ईमानदारी और दयालुता की रास्ते पे चलिए। इसके अलावा उन्होंने अपने ही लोगों की रक्षा के लिए सिखों की एक कौम के अंदर आप ये कह सकते हैं उनको एक उग्रवादी एक तरीके से कि हम अब आक्रमण नहीं सहेंगे, इस प्रकार की उन्होंने ट्रेनिंग दी, और इसीलिए गुरु नानक को उनका पहला आदि गुरु माना जाता है। तो ये हमने बात करी गुरु नानक के बारे में और इसका राइट आंसर हुआ बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भक्ति संत निम्बार्क और वल्लभाचार्य के प्रचार से प्रभावित था। तो हमने अभी पहले बात करी थी एक बंगाल और पूर्वी उड़ीसा वाले क्षेत्र की, जिसके लिए हमने बात करी थी कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पे काम किया था। इसके अलावा हमने कन्नड़ क्षेत्र और माधव के रिलेशन की बात करी थी। इसी प्रकार निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य जो थे उन दोनों के लिए भी जिन्होंने वहाँ पे ऐसा कौन सा एरिया था जहाँ पे उन्होंने काम किया था और भक्ति की जो धारा थी उसको वहाँ पे प्रवाहित किया था। तो ये काम उन्होंने किया था तेलंगाना क्षेत्र में। तो तेलंगाना क्षेत्र के लिए इन दोनों को मुख्यतः जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और उससे पहले हम जानते हैं निम्बार्काचार्य के बारे में, क्योंकि वल्लभाचार्य के बारे में हमने पिछली कुछ स्लाइड्स में डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब जानते हैं पहले निम्बार्काचार्य के बारे में। तो वो भारत के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने कई जैसे हमारे जो दर्शन होते हैं उन दर्शन के आप ये कह सकते हैं जो प्रवर्तक होते हैं उनको हम दार्शनिक भी कहते हैं। तो निम्बार्काचार्य जो थे वो भारत के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे और उन्होंने एक दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो वो कौन सा दर्शन था? तो वो दर्शन था
ये अपना द्वैताद्वैत का दर्शन, तो द्वैताद्वैत का जो दर्शन था उसका प्रतिपादन निंबार्काचार्य ने किया था, ये आप याद रखिएगा। अब इनकी जो टाइमिंग है, जो समय और जो काल इनका माना जाता है, वो माना जाता है 13वीं शताब्दी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें जो निंबार्क संप्रदाय के लोग हैं उनकी बात करें, तो वो मानते हैं कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व वो धरती पे आए थे। उनका जो आगमन था वो आज के 5000 वर्ष पूर्व हो रखा है, लेकिन जो एक टाइमिंग उनकी हम जैसे ऑफिशियली जिसे हम मानते हैं वो 13वीं शताब्दी माना जाता है, और इनका जन्म माना जाता है आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। तो आंध्र प्रदेश में आज उनके जन्म स्थान को हम मानते हैं, इसीलिए हमने ये कहा कि निंबार्काचार्य का जो आप ये कह सकते हैं जहाँ पे उनका प्रभाव था भक्तिधारा में, जहाँ पे उन्होंने काम किया था वो था तेलंगाना क्षेत्र। तो निंबार्क का जो जन्म था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, और उन्हें माना जाता है कि वे सुदर्शन के जो सुदर्शन चक्र था उनके वे अवतार थे। तो ये हमने बात करी निंबार्काचार्य के बारे में। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ उनके बारे में जानना है तो यहाँ पे मैंने कमेंट्स में सब चीज़ें लिखी है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रामायण के हिंदी संस्करण की रचना करी। अब रामायण के जो ओरिजिनल संस्करण है उसका हमें पता है कि रामायण किसने लिखी थी, तो रामायण श्री वाल्मीकि जी ने लिखी थी। लेकिन उसका जो हिंदी संस्करण था उस संस्करण को लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा। तो अब हम जानते हैं तुलसीदास के बारे में और कब उन्होंने हिंदी के इस संस्करण की रचना करी थी इस बात के बारे में। तो जो गोस्वामी तुलसीदास थे उनका टाइमिंग मानते हैं 1511 से लेके 1623 के आसपास, और ये हिंदी साहित्य के एक महान कवि हुए थे भारतीय संस्कृति के अंदर। और इनका जन्म हम जो वर्तमान में यूपी के एक क्षेत्र एटा जो है वहाँ पे मानते हैं, और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि इनका जन्म जो है वो बांदा वर्तमान में जो चित्रकूट जो एरिया है वहाँ पे हुआ था। और जो इनके आदि काव्य रामायण के जो रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि, उनका अवतार इनको मानते हैं, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी ओरिजिनल जो रामायण थी उसको, और उसके बाद इन्होंने जब उसका हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी के अंदर उस रामायण को लिखा, तो तभी इनको माना जाता है कि आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के अवतार हैं। और श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है, ये हमने बात करी है कि जो रामचरितमानस लिखी गई थी वो कहाँ से, रामायण से इंस्पायर्ड होकर लिखी गई है, उसी का हिंदी अनुवाद है। और रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है, क्योंकि हिंदी हमारे उत्तर भारत में सबसे मेन लैंग्वेज है, और इसीलिए रामचरितमानस में जब भक्ति की बात आती है तो उसको बड़े ही भक्ति भाव के साथ पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। तो रामायण के हिंदी ट्रांसलेशन के अलावा उनका एक विनय पत्रिका नाम से भी एक महत्वपूर्ण काव्य लिखा गया है। तो ये सारी बातें हमने बात करी गोस्वामी तुलसीदास के बारे में और उनके हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ रामायण के बारे में। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि जो भक्ति है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है भक्ति का। तो हमने पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो ऑप्शंस में हमें दिए गए हैं कि क्या भक्ति का मतलब मुक्ति है, क्या भक्ति का मतलब प्रार्थना है, या फिर किसी से प्राप्त प्रशंसा के शब्द हैं। तो भक्ति का मतलब है क्यों हम भक्ति करते हैं, भक्ति इसलिए की जाती है ताकि मुक्ति मिल सके। जो हमें ये हजारों हजारों योनियों में या करोड़ों करोड़ों योनियों में जो जन्म लिया जाता है उससे हटके जो उन सब चीज़ों से मुक्ति मिल सके, इसलिए भक्ति की जाती है। चाहे वो किसी भी फॉर्म में गॉड हो, चाहे वो आप उसको हिंदू धर्म में देखिए, मुस्लिम धर्म में देखिए, कहीं भी देखिए, भक्ति जो की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि मोक्ष प्राप्त किया जा सके, इसीलिए उसका लिटरल जो मीनिंग है वो होता है मुक्ति। तो इसका राइट आंसर हुआ ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा भक्ति संत हुआ है जिनका ये मानना था कि भगवान और भक्त उन दोनों के बीच में गीत और नृत्य, प्रेम और भक्ति ये माध्यम बन सकते हैं। अर्थात भगवान है और भक्त है, इन दोनों के बीच में जो माध्यम होगा आपस में एक रिलेशन होगा, एक जो आप ये कह सकते हैं एक भक्त अपने भगवान के साथ अपनी फीलिंग्स जो शेयर करना चाहेगा वो गीत के थ्रू कर सकता है, वो नृत्य के साथ कर सकता है, वो भक्ति दिखा सकता है, वो प्रेम दिखा सकता है। तो ये एक मीडियम हो सकता है भगवान और भक्त के बीच में। तो ये बात किस भक्ति संत ने कही थी। ऑप्शन दिए गए हैं ज्ञानदेव ने,
चैतन्य ने, नामदेव ने या एकनाथ ने? इसका राइट आंसर है चैतन्य महाप्रभु जो थे उन्होंने कहा था कि हम भक्त और भगवान के बीच में ऐसा रिलेशन देख सकते हैं। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने अब तक कई बार डिस्कस कर लिया है, तो अब यहाँ पे बार बार उन चीज़ों को रिपीट करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि किसने कहा कि धर्म अत्यधिक व्यवहारिक और कठोर नैतिक था? जो धर्म है वो अत्यधिक व्यवहारिक है, अर्थात आप उसे कहते हैं कि हाईली प्रैक्टिकल है, लेकिन कठोर नैतिक भी है। ये बात किसने कही? चैतन्य महाप्रभु ने, नामदेव ने, या गुरु नानक जी ने, या कबीर जी ने? तो इसका राइट आंसर है गुरु नानक जी, जिनके बारे में हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि किस प्रकार उन्होंने सिख धर्म के अंदर काम किया और जो कुछ आक्रमणकारी थे उनसे बचाने के लिए सिखों को एक उग्रवादी कौम की तरह उन्होंने तैयार किया कि अब और ज़्यादा आक्रमण नहीं सहा जाएगा, रिटेलिएशन किया जाएगा, उसके लिए गुरु नानक को श्रेय दिया जाता है। तो उन्होंने ही ये कहा था कि धर्म जो है वो अत्यधिक व्यवहारिक भी है और कठोर नैतिक भी है। तो ये बात हुई गुरु नानक के बारे में, उनके द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट के बारे में। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि कौन सा भक्ति संत जो छठी शताब्दी में हुआ और उन्होंने जो जाति भेद था उसके खिलाफ गए, इसके अलावा जो निम्न जातियां जिनको उस वक्त कहा जाता था उनको जो सहानुभूति दी जाती थी उनके खिलाफ जो भेदभाव किया जाता था उनके खिलाफ विरोध करते हुए उन्होंने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया, ऐसे कौन से भक्ति संत हुए थे छठी शताब्दी में? ऑप्शन दिए गए हैं ज्ञानदेव, चैतन्य, नामदेव या एकनाथ। तो एकनाथ जो थे उनको इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने छठी शताब्दी में इसके खिलाफ जाके अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया था। अब जानते हैं कि एकनाथ कौन थे। तो एकनाथ जो थे वो एक प्रसिद्ध मराठी संत हुए हैं जिनका जन्म पैठण में संत भानुदास के कुल में हुआ था। तो आप ये याद रखिएगा कि एक तो ये मराठी संत हुए थे। अभी हमने पहले भी बात करी है कुछ मराठी संतों के बारे में, जैसे तुकाराम के बारे में हमने बात करी, ज्ञानदेव के हमने, ज्ञानेश्वर जो थे या ज्ञानदेव आप कह सकते हैं, उनके बारे में हमने बात करी। इसी प्रकार एकनाथ भी एक मराठी संत हुए थे जिनका हम एक जो हमने बात करी अभी कि छठी शताब्दी के आसपास, यहाँ पे आई थिंक आप मिस प्रिंटिंग कुछ देख सकते हैं, तो छठी शताब्दी के आसपास हमने उसकी बात करी और इनका जन्म कहाँ हुआ था, भानुदास के कुल में हुआ था। और इन्होंने संत ज्ञानेश्वर के द्वारा पर्वत साहित्यिक धार्मिक कार्य का सब प्रकार से उत्कर्ष किया था। तो जो संत ज्ञानेश्वर थे उनके द्वारा जो प्रवर्तक जो साहित्यिक और धार्मिक कार्य का काम था उसको किया था। तो इस प्रकार की बात हम एकनाथ के बारे में करते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि चैतन्य द्वारा निम्नलिखित में से किस पंथ को लोकप्रिय बनाया गया था? फिर से ये क्वेश्चन चैतन्य महाप्रभु के बारे में आ गया है। हमने बात करी थी कि चैतन्य महाप्रभु जो थे उन्होंने वैष्णव गौड़ीय जो संप्रदाय था उसके लिए काम किया था, प्रवर्तक के रूप में उनके लिए काम किया था, और इसके अलावा उन्होंने जो कृष्ण पंथ था उसके लिए काम किया था, ये हम जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा कि चैतन्य महाप्रभु जो थे उन्होंने कृष्ण पंथ के लिए काम किया था। अब इसका राइट आंसर ये बी हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य नहीं थे? ऑप्शंस दिए गए हैं कबीर, रैदास, या फिर सेना और साधना, या फिर धन्ना और नरहरि, या तुलसीदास और मीराबाई। तो रामानंद के जो शिष्य थे उनके बारे में हम जानते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे कबीर, रैदास, सेना, साधना, धन्ना और नरहरि ये सब रामानंद के शिष्य थे, लेकिन तुलसीदास और मीराबाई जो हुए थे वो रामानंद के शिष्य नहीं थे। अब हम आगे चल के ये डिस्कस करेंगे कि मीराबाई ने किस प्रकार की भक्ति करी थी, और तुलसीदास के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से भक्ति संत हुए थे जिन्होंने ये कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही मिट्टी के बर्तन हैं, और इस प्रकार के वक्तव्य को उन्होंने वर्णित करते हुए सभी धर्मों की एक अनिवार्यता पर बल दिया था और कहा था कि सभी धर्म एक हैं और उनकी एकता जो है वो जरूरी है, इस प्रकार की बात पे उन्होंने बल दिया था। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं कबीर, तुलसीदास, रामानंद या रैदास। तो जो कबीर जो थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिया था, ये उनका राइट आंसर है कबीर। तो अब कबीर के बारे में हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि कौन से भक्ति संत हुए हैं
जिन्होंने विशिष्टाद्वैत की अवधारणा का प्रचार किया था। तो विशिष्टाद्वैत के बारे में हमने बात करी थी कि जो विशिष्ट और प्लस अद्वैत दोनों प्रकार की जो विचारधाराएं हैं उनको कंटेन करता है विशिष्टाद्वैत। तो इस प्रकार की अवधारणा का प्रचार किया था रामानुज ने। और इसके अलावा रामानुज के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो ये क्वेश्चंस अब जो हैं वो सब सिंगल लाइनर जो आप ये डिस्कस कर सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन राजस्थान के पाली जिले में जन्म हुआ उनका, और पाली राजस्थान के कुड़की जिले में एक उनका जन्म हुआ, इसके अलावा राठौड़ शाही परिवार में जन्म हुआ, 16वीं सदी में हिंदू रहस्यवादी कवि और कृष्ण के भक्त हुए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं रामानंद, क्या रामानंद का जन्म राजस्थान में आप राठौड़ शाही परिवार में मानते हैं, मीराबाई, तुकाराम या कबीर। तो इनमें से मीराबाई जो थी उनका जन्म राजस्थान के कुड़की जिले में हुआ था। तो अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा की एक प्रमुख कवियत्री मानी जाती है, और उनका जो टाइमिंग माना जाता है वो माना जाता है 1498 से 1546 तक। और इनकी जो कविताएं थी उन कविताओं में स्त्री पराधीनता के प्रति एक गहरी टीस दिखती है जो भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो जाती है। इस प्रकार की भक्ति और उनकी कविताएं लिखी गई थी। और मीराबाई ने जो अपने पदों की रचना करी थी वो पद थे कृष्ण भक्ति के स्फुट पद, इस प्रकार की रचनाएं उन्होंने करी थी। तो इसका राइट आंसर हुआ बी, मीराबाई जो कृष्ण भक्ति शाखा की एक कवियत्री थी, जन्म उनका राजस्थान में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि वो कौन से एक ऐसे संत हैं जो योगी भी थे और प्रेमी भी थे। ऑप्शन आपको दिए गए हैं रामानंद, तुकाराम, मीराबाई और कबीर। तो हमें मीराबाई के बारे में पता है कि वो एक योगी भी थी और उन्होंने कृष्ण भक्ति के अंदर ही कृष्ण धारा की अपनी रचनाएं की थी। तो इनका राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है सी, मीराबाई, अर्थात उन्होंने ही एक कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेमी दिखाते हुए अपनी रचनाओं की रचना की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि आधुनिक समय में सबसे बड़ा मठवासी जो है हिंदू पुनर्निर्माणवादी समुदाय रामानंदी संप्रदाय जो है उसके संस्थापक कौन थे। तो रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं रामानंद, तुकाराम, मीराबाई या कबीर। तो आप इस क्वेश्चन के नाम से ही, आप इस समुदाय के नाम से ही उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रामानंदी जो संप्रदाय था उसकी स्थापना करी गई थी रामानंद के द्वारा। अब जानते हैं रामानंद के बारे में कि कब उनका जन्म हुआ, कहां से वो थे। तो रामानंद संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे रामानंदाचार्य का जन्म आप अप्रोक्सीमेटली 1236 1236 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं, संवत के आसपास मान सकते हैं। और उनके जन्म की एक फिक्स और उनके जन्म और स्थान की एक फिक्स जानकारी आप नहीं बता सकते, क्योंकि जो जानकारी हमें उनके बारे में प्राप्त है वो आपको टुकड़ों में मिलती है, इसलिए आप उसको ठीक ठीक या एग्जैक्ट नहीं बता सकते। परंतु शोधकर्ताओं के अनुसार उनका जो जन्म था वो उनके पिता का नाम पुण्य सदन था और उनके माता का नाम सुशीला देवी था, और उनका जन्म संवत 1236 में माना जाता है। तो ये बात हुई रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंदाचार्य के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि हिंदू दर्शन के योग्य विद्यालय के किस तपस्वी ने रामानंद को प्रभावित किया था। तो हिंदू दर्शन का वो कौन सा योग विद्यालय था जिसने रामानंद को प्रभावित किया था। अब हमारे कुछ योग विद्यालयों के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कबीरपंथी, कृष्णपंथी या नाथपंथी। तो जो नाथपंथी थे उन्होंने रामानंद को अपनी योग विद्यालय में जो शिक्षा थी उससे प्रभावित किया था। अब बात करते हैं नाथपंथियों के बारे में, रामानंद के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो अब नाथ संप्रदाय और नाथपंथियों के बारे में बात करते हैं। तो ये जो नाथ संप्रदाय है ये भारत में एक धार्मिक पंथ माना जाता है, और इसमें जो आराध्य होते हैं वो भगवान शिव होते हैं, और ये अपने आप को प्रायः शिव के वंशज मानते हैं। और इसीलिए इनकी जो योग है, इनकी जो साधना पद्धति है वो हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। और इसके जो संस्थापक गुरु थे मच्छंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ जो थे वो
थे, इसीलिए उनको हमने बात करी कि जो संस्थापक थे उनको हम मच्छिंद्र नाथ कहते हैं। लेकिन इसके जो हमने अभी प्रवर्तक की बात करी, वो हमने बात करी कि वो कई और भी इसके हम प्रवर्तक जानते हैं। तो नाथ संप्रदाय जो है वो समस्त देश में बिखरा हुआ था, जिसके जगत गुरु श्री श्री 1008 जो हम बात करते हैं आज भी, गोरखनाथ जी, इन्होंने इस संप्रदाय के बिखराव को और इस संप्रदाय की योग विद्यालयों का एकत्रीकरण शुरू किया, कि जो ये संप्रदाय था, ये बिखरा हुआ था, इसका एकत्रीकरण किसने किया था? वो किया था गोरखनाथ जी ने। तो वो इसीलिए नाथ संप्रदाय के अंदर बहुत ज़्यादा पूजनीय भी उनको माना जाता है। तो भारत में नाथ संप्रदाय को सन्यासी, योगी, जोगी, नाथ, अवधूत, कौल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उपाध्याय, गोस्वामी, गोसाई आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये सब नाथ संप्रदाय के साथ की किन किन नामों से उन्हें जाना जाता है, ये हमने बात करी। इसके अलावा नाथ संप्रदाय, जिसे अधिकतर जोगी नाम से जाना जाता है, इस पंथ के मुख्य माने गए हैं। तो जोगी जो थे वो हिंदुओं के अलावा मुस्लिम, जैन, सिख और बुद्ध, जो बौद्ध हैं, बौद्धिस्ट जो हैं, उनमें भी पाए जाते हैं। इसीलिए ये सिद्ध होता है कि जो गुरु गोरखनाथ थे उनके अनुयायी सिर्फ हिंदू धर्म से नहीं थे, सिर्फ भारत से ही नहीं थे, बल्कि समस्त विश्व व लगभग सभी धर्मों से थे। इसीलिए नाथ संप्रदाय के अंदर आप ये देख सकते हैं कि सभी धर्मों के लोग वहाँ पे उसको मानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जगत गुरु रामानंदाचार्य के वंश में रामानंदी संप्रदाय के सुधारक और दार्शनिक भगवान श्री राम की भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे? अर्थात भगवान राम की भक्ति के लिए रामानंदी संप्रदाय में कौन जो ऐसे दार्शनिक और सुधारक हुए थे जो प्रसिद्ध थे? ऑप्शन दिया गया है रामानंद, तुकाराम, वाल्मीकि या तुलसीदास। तो तुलसीदास के बारे में हमने पहले भी बात करी है कि उन्होंने रामायण के हिंदी, जो हिंदी अनुवाद था, उसको किया था। इसीलिए राम की जो भक्ति के लिए जो जाना जाता है रामानंद संप्रदाय में, वो जाना जाता है तुलसीदास जी को। अब बात करते हैं तुलसीदास जी के बारे में, जिनके बारे में हमने पहले भी बात करी हुई है कि उन्होंने, उनको जो हम पूरा नाम बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उनका जन्म हम अप्रोक्सीमेटली यूपी में मानते हैं। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का हिंदी अनुवाद किया था श्री रामचरितमानस के नाम से, जिसे आज भी उत्तर भारत में बहुत ही भक्तिपूर्ण भाव से पढ़ा जाता है। तो ये बात करी हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि कौन से भक्ति संतों के लेखों ने हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया था और उनके जो छंद हैं वो सिख धर्म जो है उसके ग्रंथ आदि ग्रंथ में भी आपको मिल जाएंगे। चाहे ऑप्शन आपको दिए गए हैं रामानंद, कबीर, मीराबाई या तुकाराम। तो जो कबीर थे, उन्होंने उनके जो हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को उन्होंने प्रभावित किया था। इसके अलावा उनके जो छंद है वो आपको सिख धर्म के आदि ग्रंथ में भी आपको मिल जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट कुछ और वीडियोज आएंगी मिडाइवल हिस्ट्री में, जहाँ पे हम ये 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम एंशिएंट को ख़त्म पहले ही कर चुके हैं, मिडाइवल अब अपने एंड पे आ चुका है, इसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।